गाड़ी में जानवर है और आप गाड़ी लेके वापस भाग रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हैं? भाग नहीं हमको और आप क्यों? आप जांच कीजिए, आप जांच कीजिए गाड़ी का, जांच कीजिए, चलिए जांच कीजिए, चलिए। बंगाल सीमा से सटे बिहार का कटिहार जिला गौ तस्करों का सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है। दो राज्यों की सीमा होने के कारण तस्कर आसानी से पुलिस को नजराना देकर अपने गोरख धंधे को चला रहे हैं। रात के अंधेरे में ट्रकों में लादकर मवेशियों को सीमा पार कराया जाता है और फिर बेजुबानों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि जानवरों को एक के ऊपर एक लाद दिया जाता है और फिर उसे कत्ल खाने तक पहुंचाया जाता है। जिस ट्रक से इन जानवरों की तस्करी होती है उसके ड्राइवर ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसके मुताबिक कोढ़ा थाना क्षेत्र के घेड़ाबाड़ी से वो जानवरों को बंगाल के कुमेदपुर लेकर जा रहा है। इस दौरान कोढ़ा से लेकर बंगाल के कुमेदपुर तक जितने थाने पड़ते हैं उन सबको पैसे देने पड़ते हैं। घेड़ाबाड़ी से आ रहा है। कहाँ लेके जाओगे? कुमेदपुर। क्यों? उधर बिक्री करता है व्यापारी लोग। क्यों? क्या करता है? कहाँ से? अब कहाँ से लेके आ रहे हो? घेराबाड़ी से। घेराबाड़ी से कौन लेता है पैसा तुमसे? इस सब माल्टा पाने का जब्बे वाला इसे थाना वाला ही लेता है। कौन थाना? कोड़ा थाना बोलता है ना। 5,000 एक गाड़ी का। कितना गाड़ी लेके आते हो दिन भर में? हम लोग एक ही आदमी एक ही गाड़ी लेके आया। हाँ, और टोटल कितना गाड़ी टपता है उधर से? 20 गाड़ी टपता है। सबसे 5,000 रुपये लेता है, यानी एक रोज का 1,00,000 रुपये काम देंगे। पैसा देते हैं बोलते। पशु तस्करों की माने तो बंगाल के कत्ल खाने में इन पशुओं को कत्ल कर देश के अलग अलग हिस्सों के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश तक भेजा जाता है। इस बड़े रैकेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर रात ये खेल होता है और बेजुबानों की बलि दी जाती है। हम लोग माल लोड करते हैं खेड़िया से, कोड़ा थानेदार को पैसा देके हम लोग जाते हैं कोमतपुर, माल खाली करते हैं, वहाँ पे ले जाके काटते हैं। कितने साल से काम कर रहे हो? 3-4 साल से कर रहे हैं। कैमरे पर अपने कबूलनामे में पशु तस्करों ने कहा कि उनके आका बंगाल में बैठकर ये सब कुछ मैनेज करते हैं और लगभग इसी इलाके से हर रात पशु से लदे 20 गाड़ी पार होती है। यानी हर गाड़ी में अगर पुलिस को 5,000 रुपए नजराना मिलते हैं तो लगभग 1,00,000 रुपए का काला खेल पशु तस्कर हर रात खेलते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कुछ लोग वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं और एक पुलिसकर्मी सामने दिख रहा है। दरअसल पशु तस्करी की जानकारी स्थानीय लोगों ने कदवा थाना पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस मौके से भागने लगी। स्थानीय लोग और पत्रकारों ने पुलिस को वाहन चेक करने के लिए कहा तो पहले पुलिस की टीम मजबूरन औपचारिकता करती नजर आई, यहां तक कि 4 ट्रक पकड़े, लेकिन पुलिस उस ट्रक को थाने ले गई जहाँ स्थानीय लोग और पत्रकार खड़े थे, बाकी को नहीं ले जाया गया। का गाड़ी पकड़ा है थाना वाला, लेके गया है गाड़ी। कितने गाड़ी लेके गया? गाड़ी लेके गया है 4 गाड़ी। तो यहीं पड़ा हुआ है सब? एक यहाँ पे छोड़ दिया और भी गया, किधर किधर छुप गया, कोई पता नहीं चल रहा है। गाड़ी थाना वाला जो क्या किया सब गाड़ी को, कहाँ जो एडजस्ट किया है, जो हम लोग पत्रकार लोग गाड़ी पकड़ा था वही एक गाड़ी थाना घुसा रहा। स्थानीय लोगों में पुलिस और तस्करों के गठजोड़ से ये खेल जारी रहने की चर्चा है। वही हद तो तब हो गई जब पुलिस ने स्थानीय लोगों और पत्रकारों पर मवेशी तस्करों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। इसे पुलिस की बेशर्मी कहिए, नजराने की लत कहिए, लापरवाही की इंतहा कहिए, जिसने पुलिस को पशु तस्करी की सूचना दी उन पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़ाया है कल कदवा थाना अंतर्गत, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR भी रजिस्टर्ड हुआ है और बाकी कुछ उसमें जो है कुछ लोकल लोगों का संलिप्त आ रहा है और जो भी है उसकी पूरी जांच हम लोग करा रहे हैं। वहाँ के जो SDPO हैं वो पूरी जांच कर रहे हैं। गौ तस्करी पर विशेष लगाम लगाने के लिए कुछ विशेष जो भी इलीगल
काम अगर यहाँ पे हो रहा है उस पर हम लोग लगातार उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। सबसे हैरत की बात यह है कि भगवा राग अलापने वाली बीजेपी के बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले में ऐसी शर्मनाक घटना हो रही है। तस्करी के पीछे पुलिस की मिलीभगत का खुलासा हो रहा है, लेकिन सरकार को अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। तस्कर खुद पशुओं के कत्ल की कहानी कह रहे हैं, फिर भी हिंदुत्व का ढोल बचाने वाली पार्टी के सरकार को भनक तक नहीं। उधर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए छोटे प्यादों को पकड़कर बड़ी मछलियों को बचाया तो नहीं जा रहा। उम्मीद है सीमांचल टू बंगाल के पशु तस्करी के खेल से जुड़े इस खबर के खुलासे को प्रशासन और सरकार में बैठे नुमाइंदे गंभीरता से लेंगे और बिहार बॉर्डर से सटे नजराना वसूलने वाले थाने के पुलिसकर्मियों के साथ साथ इस रैकेट में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जयप्रकाश भगत, कटिहार।